महाराष्ट्र का जिला बुलढाणा का एक छोटा सा गांव महकर, महकर में रहता था लता, भगवान करे उसका पूरा परिवार, जिस परिवार में 3 लड़कियां और 1 लड़का हुआ करता था। लता और उसके पति दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे और घर की सारी जरूरतों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया करते थे। धीरे धीरे उसकी लड़कियां बड़ी हुई और लड़कियों की शादी उसने उस जमा पूंजी से कर दी, जो जमा पूंजी उन्होंने अपना पेट काट काट के कपड़े फटे हुए पहनकर जमा किए थे। और लड़कियों की शादी के बाद लता, उसका पति और उसका बेटा दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाया करते थे और इस प्रकार से उनका जीवन कट रहा था। लेकिन एक दिन अचानक लता के पति की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। लता घबरा जाती है कि अब क्या करूं, क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं होते डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वो परेशान हो जाती है, अंदर से उसका दिल दुखने लगता है। तब हिम्मत बनाती है और सोचती है कि आजूबाजू वालों से पैसे मांग कर अपने पति को हॉस्पिटल ले जा लूं। और पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाती है, उसे थोड़े बहुत पैसों की मदद मिलती है, कोई देते हैं कोई नहीं देते, और उन पैसों को लेकर वो वहां के एक लोकल हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में कुछ इलाज होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद डॉक्टरों से बताते हैं कि आपके पति के इलाज के लिए आपको इन्हें बारामती लेके जाना होगा। अब लता के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मैं अपने पति को कैसे बचाऊंगी, जिसने पूरे जीवन भर हम लोगों को इतने अच्छे से पाला बड़ा किया, जिसने हमारे पूरे परिवार को अपने कंधे पर ढोया, आज वो बिस्तर में पड़ा है, क्या मैं उसे मरने के लिए छोड़ दूं? और वो हिम्मत बनाकर फिर अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगती है। कुछ रिश्तेदार पैसे देते हैं, कुछ नहीं देते। उतने पैसे जमा कर वो बारामती को अपने पति को लेके जाती है। जब वो बारामती के हॉस्पिटल में पहुंचती है, डॉक्टर वहां उसका इलाज शुरू करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ये पाते हैं कि एक बहुत बड़ी टेस्ट करनी होगी, और वो लता को बताते हैं कि आपको अपने पति की ये टेस्ट करवाने के लिए इतने पैसे देने होंगे, और लता के पास तो खाने में पैसे नहीं होते। वो दुखी हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब क्या करूं। हिम्मत अंदर से उसका साथ छोड़ने लगती है और एक होटल में जाकर नीचे मुंडी डालकर बैठ जाती है और मन में विचारों का कोलाहल शुरू रहता है कि जिस पति ने जिंदगी भर मेरे बेटियों को पाला, मेरे बेटे को पाला, मेरी हर चीज को पूरी करने की कोशिश की, आज वो बिस्तर पे है और मैं उसे बचा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तभी उसकी नजर वहां पड़े पेपर पर जाती है और पेपर में बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि बारामती में मैराथन का आयोजन किया गया है जिसमें सभी वर्ग के युवा लोग और बुजुर्ग लोग सहभागी हो सकते हैं। और वहां से उसकी नजर उस मैराथन को जीतने पर चले जाती है। दोस्तों वहां से वैसे ही उठती है और वो मैराथन का बारामती में जहां आयोजन होने वाला होता है वहां पहुंच जाती है, जहां पे हजारों लोग अच्छे कपड़े बूट पहनकर आए थे क्योंकि उन्हें तो दौड़ना था। और ये लता ऐसे ही वहां पहुंच जाती है नंगे पैरों से और आयोजकों से विनती करती है कि मुझे दौड़ने दो। आयोजक नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत विनती करने के बाद लता को वहां दौड़ने का चांस मिलता है और लता उस मैराथन में दौड़ती है। और जब रेस शुरू होती है, पत्थरों में कांटों से उसके पैरों से खून निकलते रहता है क्योंकि वो बिना चप्पल के बिना जूतों के वहां दौड़ते रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ उसका पति चलते रहता है जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे तड़पते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनता होता है और लता को अपने पति को बचाना होता है, इसलिए वो दिलो जान से पूरी ताकत लगा के पूरे जज्बे के साथ दौड़ती है। और जब आखिरी में विनर होता है कौन, तो लता भगवान करे अपने पति को मौत के मुंह से वापस लेकर आती है। ये जज्बा, ये जुनून, ये हिम्मत कहां से आई लता भाई? मैं जो आज 68 साल की है और जब 2014 में उन्होंने मैराथन जीता था तो वो 65 साल की थी। जब 65 साल की महिला अपने आप को जिताने के लिए पूरी ताकत से लग सकती तो आप क्यों नहीं? कितने एग्जाम्पल, कितने उदाहरण जिनकी जिंदगी में असफलताओं का, कठिनाइयों का सारा अंबार रहा, लेकिन उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों लता भाई से हमें, लता दादी से हमें सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। इतना ही नहीं तो 2014 के बाद होने वाले 3 मैराथन में उन्होंने फिर से विनर का पद हासिल किया है। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास अगर हर आदमी में आ जाए तो ये दुनिया का हर व्यक्ति जिंदगी में सफल हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो हमेशा अपने आप को फेल्योर की नजरों से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी जगह पर प्रगति नहीं कर पा रहे इसके लिए जिम्मेदार आप है। आपको कोई और आगे उठाकर आपको सफलता के झंडे को लहराने की मदद नहीं करेगा। इसलिए आज से लग जाइए अपने काम पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।